तो हेलो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारे मैथ्स टू का दोस्तों चैप्टर जहां पे आप लोगों ने पहले चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था जो आप लोगों का पार्टिशन वैल्यू था आज के चैप्टर में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मेजर ऑफ तो दोस्तों अगर आप लोग को पहला चैप्टर अगर नहीं आता तो दोस्तों मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहां पर आप लोग को थोड़ी सी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि पहले चैप्टर के कुछ चीजों का इस्तेमाल यहां पर करने वाले हम लोग और बहुत अच्छे तरीके से सम्स को भी सॉल्व करेंगे तो आप लोग को पहला चैप्टर मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से वहां पर जाकर कंप्लीट कर लें ताकि सेकंड चैप्टर आप लोग को बहुत ही ज्यादा स्मूथली आए क्योंकि दोस्तों बहुत ही मस्त चैप्टर है सिंपल चैप्टर पहला एक्सरस में तो मान लो कुछ है ही नहीं क्योंकि सारी की सारी चीजें फर्स्ट चैप्टर ही घुसेड़ दी हुई है क्योंकि आप लोग को बस जानना यहाँ पर दो फॉर्मुले दो फॉर्मुले में पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा लेकिन उन दो फॉर्मूले को समझने के लिए आप लोग को

कर सकते हैं क्योंकि बहुत से डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे आपके डाउटाग्राम पे शेयर करेंगे तो सारे सारे तो यहां पर हम लोग देखने वाले लेक्चर नंबर वन एक्सरसाइज नंबर टू पॉइंट वन हमारे कॉमर्स वाले मैथ्स के बच्चों के दोस्तों इलेवन स्टैंडर्ड का टॉपिक चल रहा है यहाँ पर टॉपिक जो है हम लोग देखने रेंज ऑफ डेटा और सेमी इंटरक्वार्टाइल डेविएशन अब ये क्या सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज या फिर

ज वैल्यू मतलब मैंने पकड़ ली उसके अलावा डेटा में में किस तरीके से इधर उधर जाएगा और उसी वैल्यू उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं वेरिएशन और उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ द डेटा डिस्पर्जन भी कहा जाता है अगर आप लोगों ने अगर अच्छी तरीके से अगर आप लोगों को याद होगा तो टेंडर में भी आपने डिस्पर्जन ऑफ लाइट पड़ा था कंपोनेंट कलर तो uh, उसी तरीके से यहाँ पर हमारा हमारा के किस तरीके से हो हो रहा है, spread हो रहा है, है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों वेरिएशन या फिर डिस्पोजन ऑफ द डेटा अब हम लोग को पढ़ना है इसमें चार चीजें पहला पढ़ना है रेंज उसके बाद सेमी इंटरकॉर्टाइल रेंज या फिर इसी को क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं फिर वेरियंस पढ़ना है और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है अब वेरियश वेरियंस स्टैंडर्डिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे अगर आप लोग को ये सारी चीजें सीखनी है तो बड़े ही प्यार से मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इन टॉपिक्स पर जरा ध्यान से देखना चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मैं रेंज के साथ तो रेंज क्या होता है सिंपल सी बात है रेंज मतलब क्या होगा कहाँ से शुरू हो रहा है कहां तक जा रहा है स्टार्टिंग टू एंड तक कितना डिफरेंस आ रहा है उसी को कहा जाता है रेंज मतलब क्या देखो यहाँ पर रेंज बलो आप लोग को बहुत सारे डेटाज दिए बहुत सारे डेटा दिया किसी भी चीज के बारे में मान लो आप लोगों के क्लास के बच्चों लोगों की हाइट का दिया हुआ डेटा तो आप लोग की क्लास में जो बच्चे हैं जी किसी की हाइट 130 किसी की 140 किसी 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 की 160 और किसी की की 150 160 170 इस तरीके से आपने हाइट को डिवाइड कर दिया तो सबसे छोटी हाइट कितनी है 130 और सबसे बड़ी हाइट कितनी है 170 ऐसा पकड़ सकते हैं तो रेंज मतलब क्या होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू तो लार्जेस्ट वैल्यू यहां पर कितनी है हमारे पास वन और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास वन तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्टी जो आने वाला उसी को बोलेंगे हम लोग रेंज तो यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू को अपन एल से रिनोट करते हैं और स्मॉलेस्ट इस वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं s से तो इसे सिंपली हम लोग l s भी लिख सकते हैं दूसरी चीज हम लोग को पढ़नी है सेमी इंटर इंटरक्वार्टाइल सेमी इंटर इंटरक्वार्टाइल रेंज ये भी एक तरीके से से रेंज है लेकिन इसी को अपन क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं वो कैसे मिलेगा तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट q3 q1

हम लोग निकालेंगे यहां पर Q1, Q3 और रेंज तीन चीजें आज हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे उसी के हिसाब से कॉटाइल डेविएशन निकालेंगे तो मेरे हिसाब से पहले क्वेश्चन पे अब हम लोग बढ़ सकते हैं बेसिक सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई अगर नहीं समझ में आया दोस्तों एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना बहुत सिंपल चीजें हैं जो आप लोग को पहले से ही कुछ चीजें पता है अब मैं बात कर लेता हूं रेंज की तो रेंज मतलब देखो इतना बड़ा स्पेस रखे कुछ मतलब कभी कभी हमें लगता है कि बहुत बड़ा सम होगा लेकिन बहुत छोटे छोटे सम है इसमें तो मैं यही बताना चाहता हूं रेंज मतलब क्या होता है रेंज मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू यहां पर लार्जेस्ट वैल्यू क्या दिया हुआ चलो चेक करते हैं लार्जेस्ट वैल्यू यहां पर कितना है तो इसको मैं एल से डिनोट करता हूं अब आप लोग चेक कर फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव थोड़ा छोटा है सिक्सटी वन से थोड़ा बड़ा है चलेगा आगे बढ़ते हैं थ्री फाइव तो छोटा हो गया लार्जेस्ट वैल्यू अगर मैं देखो तो नाइन सिक्सटी सेवन जो है ना वो मेरा लार्जेस्ट वैल्यू है अगर मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात कर लू तो यहां पर सबसे छोटी वैल्यू टू हंड्रेड की रेंज में टू फिफ्टी है पर लिखता हूं smallest value और वो मेरा कितना हो जाएगा कैपिटल एस और उसे मैं लिखता हूं टू फिफ्टी अब जैसे आप सभी को पता चल चुका होगा कि रेंज का फॉर्म मैंने आप को पिछले साइड में दी है उसी का इस्तेमाल करो रेंज क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा लार्जेस्ट वैल्यू

सिंपल है दोस्तों ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बढ़िया सही जा रहे हैं आप लोग अब मैं बात कर तो सेकंड क्वेश्चन की तो ये भी कुछ उसी तरीके से किया हुआ है डरना कुछ भी नहीं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत सिंपली आप लोग को आंसर मिलेगा द फॉलोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक डन बाय द डन बाय द राधा ड्यूरिंग द वीक इसमें भी हमें क्या निकालना फाइंड द रेंज निकालना क्वेश्चन में यहां पर आया नहीं बट फाइंड क्या करना हमें रेंज करना है अब रेंज आप लोगों को पता चल गया क्या होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अब यहां पे चेक करते हैं हमारी लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है दोस्तों नहीं 20 नहीं यस वॉट इज द लार्जेस्ट वैल्यू और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फिफ्टीन नहीं फिफ्टीन से छोटा ट्वेल्व उससे छोटा क्या है टेन तो यहां पे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना हो गया टेन तो यहां पर हम लिखेंगे लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू यानी कि ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एल उसकी वैल्यू हमारे पास है ट्वेंटी वन राइट यहां तक अब बात करते हैं हम तो लोग तो यहां पर फटाफट तो स्मॉलेस्ट वैल्यू भी लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू अब अब यहां पर S हो जाएगा अब उसकी वैल्यू चेक करेंगे तो कितनी है दोस्तों टेन है तो यहां पर मैं लिख देता हूं टेन अब रेंज क्या होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू सिंपल तो यहां पर मैं लिखता हूं रेंज तो रेंज क्या हो जाएगा लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ट्वेंटी वन माइनस टेन दैट इज टू इलेवन दिस इज योर रेंज ये सिंपल भी बहुत सिंपल simple, एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन था तो बेसिक क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा आसान है जो आप लोग को समझ में आ गए रहेंगे बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा एरर बच्चे करते हैं अब इसमें रेंज निकालने बोलते हैं और बच्चे कुछ और करके आ जाते हैं तो रेंज याद रखना जो हमारा इंटरवल होता है अगर मान लो कि ये तो सब रॉ डेटा थे ये सारे के सारे रॉ डेटा है

यस yes, क्या सिक्सटी एट सबसे बड़ा है नहीं सेवेंटी टू सबसे बड़ी वैल्यू तो इसके ऊपर तो लार्जेस्ट वैल्यू उसी तरीके से है? वो है सिक्सटी टू तो लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके सामने अब इसी का इस्तेमाल करके हम लोग रेंज निकाल सकते बड़े ही आसान तरीके से चलो इसका इस्तेमाल करता है तो सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू

इस तरीके से हम लोग ने इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया सॉल्व कर लिया हुआ है रेंज ही फाइंड आउट करने बोला था कोई दिक्कत नहीं थी अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि रेंज तो बड़े है, होता है बात जब हम लोग को दिक्कत है किसमें आती है कॉटाइल डेविएशन में ठीक है तो उसमें जरा गड़बड़ ना करना पहले फॉर्मूले को एक बार फिर से रिवाइज कर लो आप कॉटाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉनमेंट टू ये फॉर्मुला दिमाग में डाल दो तो हमें इसमें क्या Q3 चाहिए क्यू थ्री चाहिए क्यू वन चाहिए टू तो वैसे भी होता ही हमारे पास तो इसको इस्तेमाल करना है है तो आप लोगों को अगर याद होगा तो ने हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे अब यहां पर देखो सबसे पहले कैसा डेटा दिया हुआ है। क्या हम लोग को इस तरीके से इंटरवल में दिया हुआ है या फिर रॉ डेटा दिया हुआ है रॉ डेटा दिया हुआ है तो हम लोग को वो बड़ा वाला फॉर्मे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं बेसिक तरीके से जाएंगे तो सबसे पहला काम होता है इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना फटाफट से असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं अरेंज तो अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर ठीक है तो सबसे छोटी वैल्यू अगर चेक की जाए तो यहां पर पा मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू है थ्री और थ्री दो बार रिपीट दो बार तो थ्री लिखूंगा थ्री कॉमर थ्री आगे बात करते हैं तो उससे बड़ी वैल्यू है फाइव और फाइव दो बार फाइव है ओके, को भी दो बार लिख देंगे हम लोग चलो फाइव से बड़ी वाली वैल्यू को चेक करता है हो गया, हो गया से बड़ा नहीं है, सेवन नहीं है एट यहां पर दिख रहा है एट के बाद आएगा नाइन तो यहां पर लिखता हूं एट यहां पर लिखता हूं मैं नाइन एट नाइन डन आगे देखते हैं नाइन के बाद आएगा टेन नहीं है इलेवन है इलेवन के बाद कितना आएगा फिफ्टीन तो ये रहा इलेवन ये रहा फिफ्टी तो यहां पे लिख दिया मैंने इलेवन यहां पे लिख दिया मैंने फिफ्टी आगे बढ़ता है इलेवन हो गया फिफ्टीन हो गया अब आएगा सिक्सटीन सेवनटीन और 19. 16, 17 और 19. चेक कर लो, कर लो, लो। काउंट नंबर पर देख लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स परफेक्ट तो यहां पर हमें एन की जो वैल्यू मिल चुकी है वो कितनी मिल चुकी इलेवन सिंपल यहां तक क्लियर हो गया अब बात करते हैं हम लोग हमारे क्यू वन की तो जिन्होंने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा अगर वो डायरेक्टली भी देख आप को याद दिला देता हूं। वो, वो सोचने की बात है अब लोग कॉटाइल पढ़ रहे हैं कॉटाइल किसी भी डेटा को चार पार्ट में डिवाइड करता है डिसाइल दस पार्ट में और परसेंटाइल हंड्रेड पार्ट में तो कॉटाइल चार पार्ट में डिवाइड करता है इसलिए यहां पर भी चार पार्ट से डिवाइड करते हैं यहां पर लिखूंगा टी एच ऑब्जर्वेशन ठीक है अब मुझे निकालना है दोस्तों Q1 और Q3 थ्री फॉर्मूला अगर आप लोग को ध्यान में होगा तो Q1 और Q3 निकालना तो Q1 निकालेंगे पहले पे जहां पर भी आई था, वहां पर क्या लिख दिया वन तो यहां पर भी अपन क्या लिखेंगे किसी को भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता अब यहां पर वैल्यू इलेवन इलेवन प्लस यहां पर आएगा टी एच ऑब्जर्वेशन शॉर्ट में लिखता हूँ ओबीएस आप लोग समझ लेना कितना 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 हो 12, 12, 4, कितना हो हो तो यहाँ पर क्या 4, third observation। अब आप लोग चेक करें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है मेरे हिसाब से क्यू वन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से निकालने आ गया अब बात करेंगे हम लोग क्यू थ्री की चलो फटाफट से क्यू थ्री को निकालते हैं क्यू तो थ्री क्या होगा सेम फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आई यहां पर आई की जगह पे क्या आने वाला है थ्री यहां पर ब्रैकेट में लिखूंगा एन एन मतलब में ब्रैकेट क्लोज टी एच ऑब्जर्वेशन शॉर्ट में लिखता हूं ओबीएस वैल्यू ऑफ अब देखो इलेवन प्लस ट्वेल्व ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फोर हो जाएगा थ्री 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 नाइन तो यहां पर कितना आ जाएगा नाइन ऑब्जर्वेशन अब ऑब्जर्वेशन काउंट करेंगे यहां पर तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एट नाइन नाइन ये रहा तो यहाँ पर हमारा क्यू थ्री कितना अब बात करेंगे अब की। तो क्या सिंपल क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई टू अब क्यू थ्री कितना है Q3 अगर देखेंगे 16 है, और Q1 हमारे पास कितना है लिखूंगा तो 16 माइनस फाइव अपॉन में टू जाने की वॉट इलेवन बाई टू और इलेवन डिवाइडेड बाई टू कितना था फाइव पॉइंट फाइव तो कॉटाइल डेविएशन फॉर गिवन डेटा इज वॉट फाइव पॉइंट फाइव सिंपल बहुत ही आसान था बहुत ही छोटे तरीके से मतलब बहुत ही सिंपल वे में हम लोग को शॉर्ट में आंसर मिल चुका हुआ है तो सिंपल करना क्या है इस क्वेश्चन में कॉटाइल डेविएशन पहले निकालेंगे क्यू वन यानी कॉटाइल वन दूसरी वैल्यू निकालेंगे कॉर्टाइल थ्री यानी कॉर्टाइल थ्री समझ में आया क्यू थ्री निकाल लिया उसके बाद निकालेंगे कॉर्टाइल डेविएशन वो क्या होता है क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाय टू सिंपल एकदम चलो ठीक है

इन असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर ठीक है असेंडिंग ऑर्डर में अरेज कर देगा अब यहां पर मेरे पास देखो नंबर सबसे छोटा कौन सा है, 172 बहुत बड़ा है। 164 थोड़ा छोटा है उससे बड़ा उससे छोटा कोई है नहीं दिख रहा है तो पहले मैं वन सिक्सटी फोर यहां पर लिख लेता हूं उसके बाद देखूंगा वन सिक्सटी फोर के बाद वन सिक्सटी फाइव सेवन नहीं है डायरेक्ट वन सेवेंटी टू पे आता हूं ये भी हो गया उसके बाद देखो 188 है तो 188 एटी एट लिखे यहाँ पर थोड़ा सा एरर होते हैं बच्चों लोगों के तो ध्यान देना उसके बाद आएगा 190 उसके बाद आएगा 195 अब 195 से कोई बड़ा नंबर है यहाँ पर 195 से बड़ा हाँ ये रहा 200 तो यहाँ पे लिखता है 200 200 से बड़ा 208 अब मैं ट्राई कर तो सारे के सारे डेटा को एक ही लाइन में लिखो तो टू तो भी डन अब बात करेंगे टू वन एंड टू एंड इस सारी की सारी वैल्यूज को मैंने एक लाइन में लिखने की कोशिश की ताकि थोड़ा सा लिखते वक्त बाद में ढूंढते वक्त गड़बड़ी ना हो तो ये था आप लोग का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ डेटा यानी अब काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन ओके सही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन कॉटल सॉरी कॉर्टल डिवेशन फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में तो हमें निकालना पड़ेगा क्यू वन एंड क्यू थ्री क्यू आई का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है क्यू आई टू वॉट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ आई इन थोड़ा सा अलग होने वाला है ये पहले क्वेश्चन के जैसा नहीं है मतलब है वैसे तो वही लगे थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि वहां पे जो हम लोग को डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिला था थ्री वो कंप्लीट नंबर था ठीक है लेकिन यहाँ पे अब अगर हम लोग ध्यान देंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकती है तो उस पर जरा गौर करना अब हम लोग सबसे पहली जो वैल्यू निकालने वाले हो, क्या निकालने वाले Q1 वन यहां पर मिलेगा क्यू वन वैल्यू ऑफ वैसे ही वन इंटू एन की वैल्यू कितनी है टेन प्लस वन अपन में फोर ब्रैकेट क्लोज टी एच ऑब्जर्वेशन ठीक है यहां तक अब टेन प्लस वन होता 11, 11 divided by 4, है इलेवन इलेवन डिवाइडेड बाई फोर सिंपल है दोस्तों टू पॉइंट सेवन फाइव चेक कर लेना टू पॉइंट सेवन फाइव ही आएगा तो वैल्यू ऑफ एक तो बार चेक कर लो आप लोगों को गड़बड़ी लग रही होगी तो इलेवन डिवाइडेड 4, 4, 8, 8, कितना बच जाएगा? 3, 0, 0, 7, 28, फिर बच जाएगा जाएगा फिर 0, फिर फिर तो कितना आता ऑब्जर्वेशन अब मुझे आप लोग ये बताना हमारे जीवन डेटा में टू पॉइंट सेवन फाइव कहीं आ रहा है क्या गया फर्स्ट योग सेकेंड यो गया थर्ड गया फोर्थ अरे टू पॉइंट सेवन फिफ्थ ऑब्जर्वेशन तो हमें मिलने से रहा तो हमें यह सोचना पड़ेगा हमारा टू पॉइंट सेवन फाइव ऑब्जर्वेशन कहां आएगा तो मान ली ये फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन थर्ड ऑब्जर्वेशन फोर्थ तो टू पॉइंट सेवन फाइव आने वाला है टू और थ्री के बीच में तो अगर मैं काउंट करूंगा जीरो से तो मेरा जो वैल्यू आने वाला है वो सेकेंड ऑब्जर्वेशन तो आने वाला ही है उसके अलावा जो यहां से यहां तक जो एक्स्ट्रा 0.75 है उसे हम लोग को थोड़ा अलग तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा तो यहां पर मैं उसी को तोड़ता हूं मतलब मैं इसे तोड़ूंगा दो पार्ट में तो वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन को मैं अलग कर लूंगा अब बच किया गया जीरो पॉइंट सेवन फाइव उससे अलग से तोड़ लूंगा और आप लोगों को जस्ट मैंने बताइए जीरो पॉइंट सेवन फाइव मतलब का जो वाला पार्ट है वो आने वाला है सेकेंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन के बीच में तो यहां पर हम लोग लिखेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है तो क्या किया जब भी टू पॉइंट सेवन फाइव टू पॉइंट टू फाइव ऐसा दिखेगा तो उसे दो पार्ट में तोड़ना है पहला जो टूटेगा वो हमारा बोल सकते एक तरीके से नेशनल नंबर में टूट जाएगा यानी टू नेशनल नंबर था और दूसरा जो टूटेगा वो डेसिमल में टूटेगा तो उसको हम लोग ने अलग कर लिया अब गौर करना है वो वैल्यू कौन से वैल्यू बीच में आ रही वो थर्ड और सेकंड के बीच में आ रही है थर्ड माइनस सेकंड कर देंगे इस तरीके से हम लोग को आंसर मिलेगा बस वैल्यू पुट करनी है सिंप्लीफाई करना है सेकंड ऑब्जर्वेशन यहां पर क्या वन सेवेंटी टू प्लस जीरो पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाई बाय रैकेट के अंदर थर्ड ऑब्जर्वेशन सेकंड ऑब्जर्वेशन तो फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या टू ट्रैक्शन ओके तो Q1 की वैल्यू जो हमें यहाँ पर मिलेगी वो मिलेगी 172 सेवन टू प्लस 0.75 पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट सेवन फाइव भी लिख सकते वैसे रखे फिलहाल देखते क्या करेंगे अब यहाँ पे सब करता हूँ

ठीक है अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टू पॉइंट फाइव टू फाइव टू ट्वेंटी लेकिन एट पॉइंट टू ऑब्जर्वेशन आने वाला है एट और नाइन के बीच में तो इसे थोड़ा तोड़ना पड़ेगा तो वैल्यू ऑफ एथ ऑब्जर्वेशन को पहले अलग कर लो और बाकी का 0.25 क्या करेगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा वैल्यू ऑफ नाइन्थ ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ एथ ऑब्जर्वेशन इस तरीके से आपको सबट्रैक्ट करके लिखना ठीक है ये वैल्यू ऑफ नाइन्थ ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ एथ ऑब्जर्वेशन इतना करने के बाद बस आपको वैल्यूज पुट करना है अब एथ ऑब्जर्वेशन ढूंढो कहां गया अब ये है, tenth, ये ये है हो हो गया ना, ये हो गया वैल्यू ऑफ नाइन्वेशन नाइन ऑब्जर्वेशन टू थर्टी तो यहाँ पर लिखूंगा टू थ्री जीरो माइनस एट ऑब्जर्वेशन कितना है टू वन फोर ठीक है अब मैंने आप लोग को बता दू की जीरो को टू फाइव हम लोग one four भी लिख सकते टू वन फोर मेरा वैसे इसे लिखा मैंने वन अपॉन फोर 230 में से अगर 214 जाता तो बच्चे का 16 16 यहां पर बच गया 4 1 जा 4 4 जा ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 214 4 ये हो जाएगा 218 दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट q3 है तो हमें q3 भी मिल चुका है तो q1 आपके सामने है q3 आपके सामने है बस आप लोगों को निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है वो होता है q3 q1 2 अब यहां पे गौर किया जाए q3 हमारे पास है 218 और q1 हमारे पास है कितना है दोस्तों 184 तो 218 माइनस 184 डिवाइडेड बाय 2 8 8 में से 4 सबट्रैक्ट किया 4 और 21 में से 18 जाएगा तो बचेगा 3 34 अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे तो 17 ये आ गया हमारा क्वार्टाइल डेविएशन इस तरीके से आप लोग को फाइंड आउट करना था कॉर्टाइल डेविएशन बहुत ही सिंपल तरीके से आपने डेविएशन निकालना सीख लिया जो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया अब ये सारी जो आपने निकालना सीखा ये सारी की सारी चीजें अपन ने बात करी किसके लिए दोस्तों रॉ डाटा के लिए अब हम लोग को बात करना पड़ेगा टेबुलर फॉर्मेट के डेटा के लिए तो उसे भी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में फटाफट से उसे भी कंप्लीट करता है चलो अब 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 जो सिक्स क्वेश्चन है वो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं बड़ा ही सिंपल है आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा मैं बताता हूं यहाँ पे सेवंथ और एट क्वेश्चन ध्यान देना सेवंथ और एथ क्वेश्चन पे तो सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने फॉलोइंग डेटा गिव्स द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू फिफ्टी एम्प्लॉइज ऑफ फर्म कैलकुलेट द क्वार्टाइल कॉटन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन तो जो नीचे दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हम लोग क्या निकालना है क्वार्टाइल डिविएशन अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन यहाँ पर हम लोग को ना इंटरवल्स में डेटा दिया हुआ है

बना लेता तो, हूँ पहले तो, तो यहाँ पर तीन बॉक्स वाला मतलब तीन कॉलम वाला मुझे क्या बनाना है टेबल रेडी करना और यहाँ पर आता है लेस देन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सारी चीजें आपके सामने फटाफट से, से लिखते हैं यहाँ पर यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय फ्रीक्वेंसी होती है ठीक है एम्प्लॉ वो क्या हो जाएगी एफ आई भी बोल सकते हैं फ्रीकवेंसी भी लिख सकते हैं ऐसे यहाँ पे हो जाएगा लेस देन सी एफ तो लेस देसी को डाला अब डेटा क्या है मेरे पास पहला जो वैल्यू ट्वेंटी से ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी से थर्टी उसके लिए फोर्टी है, है, है. है हाँ यहाँ पर सिक्सटी है

तो ये हो जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ लग रहा है दोस्तों तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ऐड भी करेंगे तो कितना होना 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 चाहिए 250 होना चाहिए चाहिए पूरा पूरा का कितना चलो ऐड करके देख लेते हैं में अगर मैं ऐड कर फोर्टी सिक्स मतलब मैंने कुछ एडिशन में गड़बड़ करी है सिक्स ये हो जाएगा टू ट्वेल्व यहां पर हो जाएगा टू ट्वेंटी सिक्स प्लस फोर्टीन करेंगे तो टू फोर्टी ही हो रहा था तो कहा गड़बड़ किया तीस चालीस सत्तर सत्तर और साठ एक सौ तीस प्लस पचास एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी प्लस हाँ यस yes. क्वेश्चन में गड़बड़ी है मैं चेक कर लेता एक बार यहाँ पर टू फिफ्टी होना चाहिए यहाँ पर टू फोर्टी कैसे आ रहा है तो देखने में कितना ही टाइम लगेगा हो जाएगा दो मिनट में दोस्तों फटाफट से कौन सा क्वेश्चन है है ये सेवंथ सेवंथ वन वन ठीक तो का एक बार आप लोग मिला लो फटाफट से यहाँ पर दिया हुआ थर्टी ओके क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है देखा यहाँ पर ये क्वेश्चन रॉन्ग है तो आप लोग इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना करेक्ट क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर हमें टू फोर्टी दिया होना चाहिए ये गलत है यहाँ पर लिखो टू फोर्टी तो हमें सम करने में कितना आना चाहिए दोस्तों यहाँ पर टू फोर्टी आ रहा है कितना आ रहा है टू फोर्टी जिसके जिसके टेक्स्ट बुक में अगर 250 लिखा होगा उसे बदल के 240 कर लेना दोस्तों पर हो जाएगा 226 और इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों पर मिलेगा हम लोग को 250 सॉरी 240 कितना मिलेगा 240 तो ये था हमारा एन की वैल्यू एन मतलब यहाँ पर कैपिटल एन बोलो स्मॉल एन बोलो सब कुछ सेम ही हमें निकालना है क्यू वन क्यू थ्री तो चलो दोनों डेटा को यहाँ पर अभी हम लोग साइड बाय साइड सॉल्व करते हैं ठीक है

की वैल्यू के बाद आने तो ये 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 जो जो ये जो 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 कॉलम बनेगा ना ना मतलब ये जो रो जो ना, ये जो रो रो अपन करेंगे होगा होगा वो होगा हमारे का का जैसे फाइंड आउट किया उसी तरीके से अपन के लिए भी रो फाइंड करें तो मल्टीप्लाई तो करेंगे तो अब 180 को चेक करते हैं क्या 180 एटी वन के बराबर यहां पर एक वैल्यू मिल रही है तो 180 को क्या अपन 180 के बराबर ही सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो इसे भी समझ लेते हैं मतलब जो भी हमारी वैल्यू आती है ना यहाँ पर वो क्या होती है इक्वल और ग्रेटर होनी चाहिए तो यहाँ पर इक्वल हमें मिल चुका हुआ तो यह वैल्यू ले लेंगे अपन क्यू के लिए और इसे भी हम लोग हमारे रो में रेडी करके रख देंगे अब फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं तो क्यू का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एल प्लस यहां पर क्या आ जाएगा एच बाई एफ ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा आई एन बाय फोर और यहां पर क्या सॉरी आई एन बाय फोर माइनस सी एफ होता है ये हो जाएगा क्यू क्यू आई का फॉर्मूला अब दोनों केस में फॉर्मूला तो सेम लगेगा तो मैं एक काम करता हूं इस फॉर्मूले को मैं बीच में लिखता हूं ताकि ये फॉर्मूला हम लोग बता सके कि दोनों के लिए अब बस वैल्यू यहां पर वैरी करने वाली है तो इससे मैं इस फॉर्मूले को मैं एक ब्रैकेट में डाल के रखता हूं ताकि आप लोग को समझे कि दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यहां पर इस्तेमाल होने वाला है बट जब अपन वैल्यू को डालेंगे तो दोनों की वैल्यूज अलग अलग आएंगी अब यहां पे सबसे पहले एल की वैल्यू देखते हैं Q1 के लिए हमारा एल की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी फाइव तो यहां पर ट्वेंटी फाइव हो गया एच कितना है तो एस तो दोनों में सेम ही होगा गया एच मतलब क्या साइज ऑफ द क्लास पे साइज ऑफ द क्लास कितनी आने लगे फाइव कैसे देखो यहाँ पर ट्वेंटी इन लोगों के बीच में गैप कितना फाइव का अब बात करते हैं एफ एफ यानी कि क्या फ्रीक्वेंसी तो फ्रिक्वेंसी कितनी यहाँ पर फोर्टी है और सी एफ की बात कर ली जाए तो सी एफ हमारे पास कितना आ रहा है थर्टी आ रहा है सी एफ आ गया एच मतलब क्या आ गया एच आ गया एफ आ गया एल आ गया तो यहाँ पर एच है यहाँ पर एफ है यहाँ पर एल है आई एन बाई फोर तो हम लोग ने निकाले, सब कुछ हमारे सामने है. तो Q1 की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 25 प्लस 5 कितना है एफ की वैल्यू फोर्टी ब्राकेट के अंदर आई एन बाई फोर सिक्सटी माइनस सी एफ कितना है थर्टी तो ये इसको सब ट्रैक कर दूंगा थर्टी होगा थर्टी थर्टी डिवाइडेड बाई फोर तो यहाँ पर क्यू वन की वैल्यू मिल जाएगी ट्वेंटी फाइव प्लस इसको कैंसिल कर दू फाइव एट ज़ा अच्छा ऐसे कर सकते हो आप लोग और यहाँ पर कितना बच जाएगा फाइव कैंसिल हो गया ना यहाँ पर तो ये फाइव एटजा फोर्टी यहाँ पर कितना बच गया एट नीचे ओके यहाँ पर एट बचा हुआ इसको कैंसिल थर्टी तो थर्टी अपॉन में एट यानी कितना बचेगा एट से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर बचेगा फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फोर अपॉइन फोर बच गया फिफ्टीन को अगर हाफ करेंगे 7 .5, 7 .5, 5 करेंग, करेंगे हाफ 7 7 करेंगे को को हाफ करेंगे तो Q1 की वैल्यू आप लोगों समझ में आ गया बस क्या किया सिंपल सा कैलकुलेशन किया हुआ, Q1 आपके सामने रहा तो उसी तरीके जैसे Q1 फाइंड आउट किया उसी तरीके से अपन क्या निकालेंगे Q3 निकालेंगे अब इस केस में हमारे पास एल की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए अब यहाँ पर एल क्या होगा तो क्यू थ्री के लिए होगा थर्टी फाइव तो ये मेरा थर्टी फाइव हो गया एच तो सेम होगा एफ चेंज हो जाएगा एच क्या हो जाएगा एच वही रहेगा एफ चेंज हो जाएगा फ्रीकेंसी कितनी है वहां पर देखो फोर फिफ्टी है उसी के बाद सी एफ कितना 130 है हमारे पास वन थर्टी है ठीक है सब कुछ हमारे सामने तो क्यू थ्री को जिस तरीके से मिलेगा थर्टी फाइव प्लस

q3 q1 अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा ठीक है तो q3 मेरे पास है 40 q1 मेरे पास 28.75 अपॉन में 2 अब प्रॉपर्ली सबट्रैक्ट करो तो यहां पर बचेगा 1.25 और वहां बचेगा 10 यानी कि 11.25 मेरे पास यहां पर बचेगा 11.25 डिवाइडेड बाय 2 तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना आ जाएगा 5. यहां पर बच गया 12 यानी 6 यहाँ पर कितना बच गया टू और यहाँ पे वाइव तो यहाँ पर आएगा ये आप का क्वार्टर डेविएशन इस डेटा के लिए आया हुआ है तो इसी तरीके से आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डेफिनेटली समझ में आ गया था क्वेश्चन में उसी तरह ध्यान से देखना समाइम्स हमें लगता है कि ये सही है ये गलत है बट देखो यहाँ पर ये यह गलत था और ये सही था तो इसे आप लोगों ने यहाँ पर करेक्ट कर लिया तो आप लोग भी प्रॉपरली इसे करेक्ट कर लेना ताकि आप लोग एग्जाम में एरर ना कर सके बेसिक फंडो को समझो कंसेप्ट समझो क्वेश्चन एरर होगा तो भी क्या अपन करेक्ट कर सकता है इस तरीके से आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है

मतलब हम लोग को हमारा जो टेबल जो बनाना ना वो बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी अगर बनाना चाहे तो आप बना सकते हो अगर आप लोगों को करना है तो को वर्टिकल में करना तो कर लो मैं यहाँ पर से भी कर सकता हूँ देखना कैसे करेंगे हमें क्या निकालना है कॉर्डर डेविएशन यानी Q1 और Q3 थ्री निकालना तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे आई एन बाई अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली दोनों को साइड बाय साइड ही कर लेते हैं यहाँ पर तो हम लोग को पता है यहाँ पर Q I फॉर Q1 लिख लेता और Q1 ठीक है Q1 हम लोग क्या निकालेंगे सबसे पहले आई एन बाई फोर अब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है तो एन देखो आप लोग खुद ही काउंट करके निकाल सकते हैं पे आ रहा है थ्री प्लस सेवन टेन 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 हो गया एन तो की वैल्यू मुझे कितनी मिल चुकी है सिक्सट मिल चुकी है तो आई एन बाई फोर इन टू सिक्सटी बाई फोर कितना फिफ्टीन और क्यू थ्री के लिए फोर क्यू थ्री आई एन बाय फोर कितना हो जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाय बाय फोर अब यहाँ पे फिफ्टीन थ्री कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव यहाँ पर आई एन बाई फोर हो जाएगा फोर्टी फाइव अब क्यू वन क्यू थ्री का हम लोग यहाँ पर अभी रो डिसाइड कर लेते हैं फटाफट से अब फिफ्टीन फिफ्टीन से बड़ा तो 15 से छोटा है ये फिफ्टीन से बड़ा सी एफ ये रहा तो इस बॉक्स को मैं रेडी कर लूंगा और ये वाला बॉक्स जो होगा मेरा क्यू वन के लिए होगा उसी तरीके से मैं अगर ध्यान दूंगा तो यहाँ पर क्यू थ्री के लिए फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव से बड़ा ये वाला हो जा है ये हो जाएगा मेरा किसके लिए क्यू थ्री के लिए कॉलम बन जाएगा अब आपके पास आ, आपको क्या निकालना है सबसे पहले एल निकालना है एच निकालना है एफ निकालना है सी एफ निकालना है चार चीज़ें निकालनी है आपका आंसर आ जाएगा तो पहले मैं एल लिख लेता हूं इसके लिए एल कितना है फोर्टीन है एच तो सब में किसी ही होने वाला है टू एफ कितना है हमारे पास सिक्सटीन है और सी एफ हमारे पास कितना है सी एफ जस्ट पहले वाला होता है यहाँ कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा अब यहाँ पे देख लेते हैं फटा फटाफट से इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर एल कितना हमारे पास एल है हमारे पास एटीन है एच हमारे पास टू है एफ हमारे पास कितना है एट एफ हमारे पास वो भी एटीन है चलो सही जा रहे हैं यहाँ पर और सी एफ हमारा पहला वाला होता है यानी फोर्टी हो जाएगा सब कुछ आ गया फॉर्मुलट में डालो तो क्यू वन क्या हो जाएगा एल प्लस फोर्टीन प्लस एच बाई एफ यानी कि टू बाय सिक्सटीन मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आई एन बाई फोर यानी फिफ्टीन माइनस सी एफ यानी कि टेन तो फोर्टीन प्लस वन अपॉन एट ठीक है फिफ्टीन माइनस वन कितना होता है फिफ्टीन माइनस वन हो जाएगा हमारा यहाँ पर फिफ्टीन माइनस वन हो जाएगा फाइव अब 8, आप एट अब वन अपॉइंट एट ये ऊपर जाएगा फाइव को अगर एट से डिवाइड करूं तो आप लोग को पता है कितना जीरो पॉइंट आने वाला है फिफ्टी हो गया सिक्स तो हो जाएगा और उसके बाद कितना हो जाएगा कितना बचेगा जीरो पेगा टू बचेगा टू मतलब क्यू वन क्यू वन समझ में आ गया आप लोग को अब जैसे क्यू निकाला Q3 क्यू थ्री निकालेंगे क्यू थ्री क्या हो जाएगा एटीन प्लस एच बाई एफ राकेट में एन बाई आई एन बाय फोर यानी कि फोर्टी फाइव माइनस सी एफ की, की वैल्यू कितनी है फोर्टी सेम यहाँ पर भी वही होने वाला है क्यू थ्री एटीन प्लस ये हो जाएगा टू बाय यहाँ पर कितना आ गया नाइन आ जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया वन अपॉइट नाइन यहाँ पर सब करेंगे फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मिलेगा मुझे फोर फाइव अब फाइव डिवाइड बाई नाइन करेंगे तो पॉइंट में आंसर आने वाला है मतलब रिपीट होने वाला 18 पॉइंट समथिंग उसमें मिलेगा अब 5 को डिवाइड करो नाइन से तो फाइव फिफ्टी से कम 0 पॉइंट समथिंग और अगर ऐड करते हुए चलेंगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ मिलेगा 0 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा नाइनटीन uh, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 9 तो 50 से कम वाला नंबर कौन सा 45 कितने बार में आता है 5 जा? कितना बच जाएगा फिर फाइव तो मतलब फाइव जीरो अगेन फाइव 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 आता चला जाएगा मतलब इसको मैं क्यों थ्री की वैल्यू मिल जाएगा तीन नंबर यहां पर आ गया हमें निकालना क्या यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन अब क्वार्टाइल डेविएशन सबको पता है क्या होता है इतने सम सॉल्व कर लिए तो अपने को आना भी चाहिए Q3 थ्री माइनस क्यून डिवाइडेड बाय 2 अब यहाँ पर Q3 की जो वैल्यू है ना वो कितनी है दोस्तों एक दो फटाफट से माइनस सेन की वैल्यू है में अब थोड़ा सा आप ये करो कि इसको सब करो और सॉल्यूशन क्या रहा है वो थोड़ा फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर तो आप लोग को थोड़ा टाइम दे देता हूँ चलो माइनस से टाइम वीडियो को पॉज कर लो और चेक कर लो आप लोग क्यू वन और क्यू थ्री की वैल्यू क्या करेक्ट आई है अगर आई है तो फिर दोस्तों आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है आपको बस वैल्यू में पुट कर देना है चलेगा। तो अब बस ट्रायक करते हैं तो यहाँ पर मैं बचेगा हमारे पास सेवनटीन में से थ्री जाएगा तो बचेगा सेवनटीन में से फोर्टीन जाएगा तो बचेगा फाइव में से जा तो है थ्री अपॉन में टू इधर डिवाइड करेंगे तो वन समथिंग आने वाला टू वन जो टू नाइन जटीन उसके बाद यहाँ पर नाइन वन थ्री सिक्स और सिक्स के बाद सिक्स के बाद कितना बच जाएगा फिर से अगेन ट्वेल्व यहां पर कितना बच जाएगा इलेवन तो इलेवन कितने बार में आएगा फाइव ओके और यहां पर भी फाइव तो यहां पर हमें हमेंटल डिविशन की वैल्यू मिल गई वन पॉइंट नाइन सिक्स फाइव फाइव इसके अराउंड में मिल गई आप लोगों को कुछ थोड़ा सा अलग पॉइंट में वेरिएशन मिल सकता है लेकिन ये परफेक्ट आंसर है इसके अलावा आप लोग ज्यादा सोचेंगे तो फिर गड़बड़ी कर देंगे तो मेरे हिसाब से क्वार्टल डिविशन के सारे सम आप को क्लियर हो गए इसमें करना कुछ भी नहीं है निकालना है Q1 निकालना है Q3 सेम जो पिछले चैप्टर में पड़ता था उस तरीके से और इसके बाद दोनों को सब ट्राइक करना क्यू थ्री माइनस क्यू वन डिवाइड बाई टू कॉटल डिविएशन मिल जाएगा ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोग को होप समझ में आ गया अगर कहीं डाउट कहीं दिक्कत तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दें दो। ताकि मैं वहां पर आपका डाउट क्लियर कर दू दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए क्या करना है आप लोग को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय